समझ ही नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे बताऊं। फातिमा नूर, सच कहूं तो मॉम को मैं नाराज नहीं करना चाहता। तुम उन्हें नाराज क्यों करने लगे अहमद, क्या बात है? तुमने मेरी मॉम को देखा ही होगा, वो बहुत सेंसिटिव और सीधी है। तुम अपने पापा को जानती हो, वो सारे फैसले खुद ही करते हैं। मैं नहीं चाहता था इससे मेरी मॉम परेशान हो, तो बेहतर होगा कि वो सीधा शादी के दिन ही वहाँ आए। बस इतनी बात है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तुम अपने फैमिली को इस बारे में नहीं बताओगी? नहीं बताऊंगी। और मैं इटली वाली बात संभाल लूंगा, चिंता मत करो। ओके। मिस्टर तहसीन, मिस्टर तहसीन, सर, मैं शर्मिंदा हूं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। बच्चों की मेरी वजह से बदनामी हुई, मैं कैसे भूल गया कि पैसे मैं लाया ही नहीं था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा। पता नहीं, मेरा दिमाग आजकल काम ही नहीं कर रहा। मुझे माफ कर दीजिए, आप सबको मैंने तकलीफ दी। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सर, आपके किसी रिलेटिव या बच्चों का फोन नंबर है आपके पास? बस एक बेटी है, लेकिन वो बाहर रहती है। क्यों, हुआ क्या है? ओके, मैं घर पे नहीं हूं। नहीं बेटा, मैं इतने पैसों का क्या करूंगी, मैं अभी नहीं आ सकती। हम शाम को बात करते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पापा का ख्याल रख लूंगा। कल आप स्कूल में आ जाइए। हाँ, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, मेरा नाम कादिर है। जल्दी मिलते हैं। वो कल यहाँ आ जाएंगे। तो फिर आज रात? और कोई रास्ता नहीं है, मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इस तरह अकेले रुकना इनके लिए ठीक नहीं है। इन्हें तिजेन से भी मिलना होगा जब स्कूल आएंगे तब। इस जगह को देखो जरा, हर जगह उनकी वाइफ का सामान है। अच्छा होगा अगर ये मिस टीजिन से बात करें। तहसीन सर, चलिए हम चल रहे हैं। कहाँ? आज आप मेरे साथ रहेंगे, मेरे मेहमान बनकर। चलिए अब आइए। फातिमा नूर, कहाँ थी तुम? मैं अहमद से मिलने गई थी। अहमद की माँ कैसी है? शायद अब वो ठीक है, हमारी इस बारे में बात नहीं हुई। वो शादी में आएंगी ना? पता नहीं, शायद आएंगी। मैं चेंज करके आती हूँ। ये चल कर है? मैं जाकर देखती हूँ पापा। लगता है वो आदमी पागल हो गया है, उसका दिमाग खराब हो गया है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, वो पागल नहीं है। मेरी तीजन टीचर से बात हुई है। तुम मुझे बताओ, उन्हें ये कैसे पता होगा? वो कोई एक्सपर्ट है क्या?
ये पक्का डिमेंशिया या अल्जाइमर है। मेरे पापा को भी यही हुआ था। आई नो इट वेरी वेल। नीलुफर टीचर, हमें पहले से कुछ भी नहीं मान लेना चाहिए। तुर्कान और तिजन सुबह उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे। डॉक्टर ने कहा कि वो बहुत ही डिप्रेशन में है, उन्हें कोई डिमेंशिया या कुछ और नहीं है। प्लीज आप कोई गलत अफवाह मत फैलाइए, दोस्त ऐसा नहीं करते। टीचर, मैं भला गलत अफवाह क्यों फैलाऊंगी, वो गलत थे और हम तो खामखा बच्चों के ऊपर शक कर रहे थे, उन्हें फालतू में परेशान किया। आप सही कह रहे थे कादिर टीचर, मिस नीलुफर बता रही है कि हम बच्चों पर फालतू में शक कर रहे थे, है ना टीचर? स्कूल में सब यही बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यही अभी ताजा खबर है, लेकिन लोग कल दूसरी बातें शुरू कर देंगे जहां तक मुझे पता है। ऐसा ही हो, सबका यही सवाल है, मैं थक चुका हूँ सुनते सुनते। तो फिर मैं आपसे कुछ और पूछूं? हाँ ऑफ कोर्स अहमद सर, आप पूछ सकते हैं। क्या आप मेरी शादी में आ रहे हैं? शादी की तारीख तय हो गई, कब है शादी? 2 दिन बाद। हो इतनी जल्दी, मुझे तो पता ही नहीं था। कंग्रेचुलेशंस। शुक्रिया, वैसे हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। ये तो अच्छी बात है। कादिर टीचर, तासिन टीचर कैसे हैं अब? वो अभी ऊपर आराम कर रहे हैं। हम ऊपर चल के उनसे मिल लें? अगर आप टीजन टीचर से पूछेंगे तो बेहतर होगा, उन्हें पता होगा क्या करना है। ठीक है टीचर, शुक्रिया। यू वेलकम। गुड डे। हाँ अंदर आओ। मॉम ये क्या, आप तैयार नहीं हुई? हाँ हाँ मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम इतना जल्दी क्यों कर रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये सब तो ऐसा ही चाहते हैं ना? सब ऐसा नहीं चाहते, तुम्हारे पापा ऐसा चाहते हैं, उन्हें लोगों को जबरदस्ती काम करवाना अच्छा लगता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कितनी जल्दबाजी में सब कैसे होगा, लग रहा है घोड़े दौड़ रहे हमारे पीछे। लेकिन मैं आपके साथ हूँ मॉम, आप बिल्कुल सही हैं, और निहाल भी होटल अरेंज कर रहा है, हमें बस अब शादी की ड्रेस लेनी है। फातिमा नूर अभी ठीक हुई है। पता नहीं बेटी, मैं जल्दबाजी में मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहती। अब सनाए, आजकल बहुत बुरे सपने आते हैं, मुझे अंदर से बहुत बुरा महसूस हो रहा है। ये सब तुम्हारे पापा का किया हुआ है, लेकिन देखते हैं अब वो आगे और क्या करते हैं। मॉम मुझे आपसे कुछ कहना है। अरे केमल बेटा, बसरी अंदर है क्या? हाँ इसे मैम आई है, वो अंदर है। हाँ बिल्कुल, तुम बहुत बिजी हो, अगर कुछ काम होगा तो मैं आ जाऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, हम यही मिलते हैं, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि ये काम आज रात तक हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं। अरे क्या कर रहे हो तुम, पीछे आ जाएंगे। हाँ किताब निकाल कर। टीचर आ गए, आ गए। टीचर आ गए, किताब निकाल। चलो अब इसकी मोटर चेक करनी पड़ेगी हमें। प्रॉब्लम सॉल्व। मैं देख रहा हूँ सब कितने खुश हैं, तुम भी स्माइल कर रहे हो, यहाँ की वाइब्स कितनी अलग है कल से, तुम सब काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हो। खैर ये तो नॉर्मल है, एक और बड़ी प्रॉब्लम से बच गए तुम। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं टीचर, हमारी इसमें गलती नहीं थी। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, ऐसा ही रहे तो बहुत अच्छा है। वैसे टीचर, तासिन सर का क्या हुआ, वो स्कूल से चले गए क्या? कुछ नहीं, उनका इलाज चल रहा है, वो जल्दी ठीक होकर वापस आ जाएंगे। लेकिन तुम हंस क्यों रहे हो, मैं तो सीरियस बात कर रहा हूं। वो उसकी मोटर जल गई है, शायद उसके प्लग्स ठीक से काम नहीं कर रहे हो। जब तासीन टीचर वापस आएंगे तब वो खुद अपनी बीमारी के बारे में बताएंगे, मैं उनकी बात तुमसे नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तासीन सर तुम्हारी बातें सुनते तो वो ज़रूर खुश हो जाते। वो सारी रात सोए नहीं थे क्योंकि उन्होंने तुम लोगों को परेशान कर दिया, बहुत बुरा लगा उन्हें। लेकिन क्या ऐसा करना चाहिए था, उन्हें क्या करना चाहिए था? बच्चों मैं जानना चाहता हूं, क्या तुम लोगों का पेन भी जबान की तरह शार्प है? चलो एक पेपर निकालो। ठीक है। चलो चलो। क्या कहा? पेपर छोड़ो ना। पेपर सब लोग खुद को तहसीन टीचर समझकर उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे। ओके
मैं तासीन पेशेंट हूँ। क्या दूसरों की फीलिंग्स को समझना इतना मुश्किल है? ऐसा नहीं है टीचर, सच कहूँ तो हमें लिखना नहीं आता। तो ऐसे ही सीखोगे तुम, कभी तो शुरू करना होगा, राइट? अब तुम्हें उनकी तरफ से एक लेटर लिखना है इस सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स को समझते हुए, ठीक है? लेटर किसे लिखना है टीचर? जिसे भी तुम चाहो। टीचर, अच्छा ये लेटर कैसे लिखते हैं? तुमने पहले कभी ईमेल लिखा है? हाँ लिखा है। तो इमेजिन करो तुम ईमेल लिख रहे हो। हाँ, ये बात तो सही है। आप मुझे ये कब बताने वाले थे हायरी? हाँ, बताने भी वाले थे या नहीं? क्या हो गया? वो आदमी शादीशुदा है और ये बात फातिमा नूर को पता है। किसी ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, और देखो खुद को, हम ऐसे फातिमा नूर की मदद नहीं कर पाएंगे। बहुत दुखी है मेरी बच्ची। अगर वो बहुत दुखी है तो क्या इतनी जल्दबाजी में उसकी शादी करना ठीक है? उसे हम थोड़े टाइम के लिए अकेला छोड़ देते हैं, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना हायरी? वो आदमी उस दिन हमारे दरवाजे पर आ गया था। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं भी नहीं जानता था, मुझे बाद में पता चला। देखो नूरान, फातिमा नूर ने अहमद से शादी करने का फैसला कर लिया है। मेरा यकीन मानो, मैं नहीं चाहता कि वो पागल आदमी फिर से वापस आकर मेरी बेटी को गुमराह कर दे। अगर तुम चाहो तो हम उसका इंतजार कर सकते हैं, वो फातिमा नूर को बता देगा कि हमने झूठ बोला था। करते हैं ना ऐसा? फातिमा नूर का दिल साफ है, वो बहुत ही आसानी से किसी पर भी यकीन कर लेती है। तुम मुझसे बेहतर उसे जानती हो, वो कादिर से प्यार करती थी और कादिर ने कहीं और शादी कर ली। लेकिन हमने उसे झूठ बोला था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर वो आदमी फातिमा नूर को भूल तो गया, उसने किसी और से शादी कर ली। अगर उनका प्यार सच्चा होता या फिर वो आदमी सच्चा होता तो फिर ऐसा होता क्या? उस पर भरोसा किए बिना उसे रोक देते तो अच्छा रहता, लेकिन तुमने मुझे रोक दिया। दोबारा ये गलती नहीं होगी। मैं अपनी बेटी की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकता। आइए सर, आइए। वेलकम, आइए आइए। ओके ओके, थैंक यू। तासीन सर, ये आयसे दीदी है। हाँ, मैं इनकी बहन हूँ आयसे। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। आज तासीन सर हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। अच्छा अच्छा। सर आइए, अंदर आइए। आइए सर। शाबाश कादिर, शाबाश। इस जगह को भी तुमने आई से पहले सुटल बना दिया। अब घर की सफाई करो आई से। हे ऊपर वाले, क्या करूं? ये रहा आपका कमरा। मेरी वजह से आपको तकलीफ हो रही है मिस्टर कादिर? बिल्कुल नहीं सर, हमें मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। आप आराम कीजिए, आज आप बहुत थक गए होंगे। मैं खाना रेडी हुआ या नहीं देखता हूँ। शुक्रिया। तुम मुझे ग्रोसरी स्टोर पे छोड़ देना बेटा, तुम सड़कों पर मत घूमना, मुझे घर के लिए कुछ सामान देना है। ठीक है मॉम। आपको पैसे चाहिए? तुमने पहले ही मुझे कपड़ों के लिए पैसे दिए थे। वो शादी के कपड़ों के लिए थे, आपको चाहिए तो मैं और देता हूँ। नहीं बेटा, तुमने पहले ही बहुत पैसे दिए हैं। प्लीज उन पैसों से अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद लेना। ओके, तुमने जो जगह बताई है मैं वहीं से खरीद लूंगी। अभी मैं चलती हूँ, ठीक है? फिर मिलते हैं मॉम। बसरी भैया नहीं आ रहे? नहीं, उनका कोई पर्सनल काम है, कुछ अजीब सा। पता नहीं वो क्या कर रहे हैं और किसके साथ हैं। मैं तहसीन सर को बुला कर लाता हूँ। हाँ,
सुकरान बेटा, मेरा प्यारा बच्चा, प्यारी बेटी मेरी। इसे पहन लो बेटा। तुर्कान का फोन आया था, उसने कहा काम आज होना चाहिए, तो मैं कुछ लोगों के साथ जाके काम पूरा कराया। ओ, तो तुम इसलिए वो कर रहे थे? मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं, मेरी बच्ची वापस आ गई, तुम घर आ गई, अब फिर से तो कहीं नहीं ले जाएंगे। नहीं, अब मेरे पास कागजात है, तुर्कान इसकी माँ है और कानूनी तौर पर ये कादिर और तुर्कान की बेटी है, समझी? शुक्रिया भैया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता, ना आपका और ना ही मिस तुर्कान का। मैंने कुछ नहीं किया है बेटा, जो किया तुर्कान ने किया। वो बहुत अच्छी औरत है। सच में अच्छी है, एक अच्छी इंसान है। मैंने घर पर बुलाया तो उसने आने से साफ मना कर दिया, बोली तहसीन है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तहसीन सर, मैं तो उन्हें जगाना ही भूल गया। चलो बेटा, हम चलते हैं। ओह ग्रेट, आप मुझे कॉल कर रहे हैं, मतलब आप उसके साथ हैं। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। पता नहीं आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब शुक्रान के लिए था। शुक्र है कि वो वापस आ गई है आपके पास। थैंक यू वेरी मच, रियली थैंक यू सो मच। तो मिस्टर खान, कल मिलते हैं स्कूल में। अच्छा, मिस्टर तहसीन अब कैसे हैं? अब थोड़े ठीक हैं। ओके, सी यू। ओके, सी यू सून, गुड नाइट। कादिर, खाना तैयार है। सुना तुमने? ये लो। सर, आपने रात वाली दवाई ले ली ना? हाँ, मैंने दवाई ले ली है, शुक्रिया। अच्छा, मेरी वजह से आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हमारे लिए खुशी का दिन है, हम सब मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं। सच में बहुत लंबे समय बाद मैं इतने लोगों के साथ खाना खा रहा हूँ, और वो भी आप जैसी फैमिली के साथ। खैर, शुक्रिया। बेटा, तुम थोड़े और बीन्स ले लो। खाने के बाद सबको कुनाफा मिलेगा, आज खुशी का दिन जो है। मैं आपकी मदद करूं क्या? ओ, तुम्हें पता है कुनाफा क्या होता है वो? देखो, मुझे चैलेंज मत करो, मैं तुमसे बेहतर बना सकता हूँ। ऐसा नहीं है बसरी, और मैं तुम्हें चैलेंज नहीं दे रही हूँ। ये हुई ना बात। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम ही बनाओ, मैं मदद करूंगी, सबके लिए बनाना पड़ेगा। वैसे मैं कुनाफा के बारे में कुछ नहीं जानता। इसमें कुछ नहीं जानना, अब एक बार खाएंगे तो समझ जाएंगे।
चलो बेटा खाओ। मॉम, एक माँ होना बहुत ही मुश्किल बात है। मुझे समझ में नहीं आ रहा हम उसका भला कर रहे हैं या ऐसा करके उसके साथ हम कुछ गलत कर रहे हैं। मुझे भी नहीं पता है मॉम, मैं कल से इसी बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन पापा का कहना यह है कि पापा सही कह रहे हैं, लेकिन अगर वो आदमी हमारे घर तक आया तो ये साफ है कि वो फातिमा नूर से बहुत प्यार करता है ना? अगर कादिर फातिमा नूर से प्यार करता है तो वो शादी नहीं करता, बिल्कुल नहीं। जब सुहेलिया जिंदा थी हमारा घर भी ऐसा ही हुआ करता था, और फिर वो हादसा हुआ और हमारी दुनिया ही मानो बदल सी गई पूरी तरह से। मेरी भी वाइफ नहीं है सर। क्या कहा? हाँ, और यह अभी की बात है। मैं समझ सकता हूं किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है, अकेलापन क्या होता है, लेकिन अगर आपकी वाइफ आपको ऐसे देखती तो वो बहुत दुखी होती। मैं भी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा, पर मैं उसके लिए जो प्यार है उसे कभी छुपाता नहीं हूं। अगर ऐसा करूंगा तो उसके साथ ये धोखा होगा। सारी जिंदगी उसके साथ बिताई है मैंने, और अब जीने की कोई वजह नहीं रही। वजह तो है सर, आपका बच्चा, आपकी बेटी, वो सब सही है, लेकिन उसे भूल पाना मुश्किल है। मुझे बताओ क्या तुम भूल पाए हो? नहीं भूल पाया सर, हमारे वो दिन, हमारी वो यादें, उसकी हंसी, उसकी आवाज, कुछ नहीं। मैंने बस हालातों से लड़ना बंद कर दिया है सर, और मुझे खुशी है कि मैंने उसके साथ उतने पल तो जिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल तो मैं शुक्रान के साथ ही सो गया था, कौन जीता फिर? ये तासीन टीचर को सच में कुनाफा के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने बोला था ना, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। बसरी भैया के कबाब टेस्टी हैं। हाँ, उनके बहुत ज्यादा क्रस्टी होते हैं। मैंने कहा ना, इन्हें कुछ भी नहीं पता है। उस पत्थर जैसे कुनाफा को क्रस्टी बोल रहे हैं, मुझे यकीन नहीं होता आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। सर एक बात बताऊं, आपको पता है बेस्ट कुनाफा कैसे बन सकता है? बहुत आसान, जो ऐसे दीदी कह रही है वही सही है। बेवकूफ दीदी, ज़ातर लाइए ना, ज़ातर। सर वो भी टेस्ट कीजिए, ये लो मेरा बच्चा। स्कूल जाने से पहले आप मेरे साथ एक जगह आ सकते हैं? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। शुक्र है हमने किसी को डिसिप्लिनरी बोर्ड नहीं भेजा, वरना बदनामी हो जाती। हाँ। अच्छा तो अब मिस्टर तासीन क्या करेंगे? क्या हम उन्हें जाने के लिए कह दें? क्यों? क्योंकि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो परेशान है बेचारे, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वो काम कर सकते हैं, अगर ठीक से दवाइयाँ लेते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर दवाइयाँ लेना भूल गए तो? मतलब हमें रिस्क नहीं लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपकी मर्जी, आपने कहा था आप इस स्कूल को बेहतर बनाना चाहती है और अच्छे टीचर्स लाना चाहती है। हाँ मैं मानता हूँ, और ये बात भी सही है कि मिस्टर तासीन म्यूजिक के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं।
तो क्या हम उन्हें जाने के लिए कह दें? मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम उन्हें अच्छे से बता देंगे बिना उन्हें हर्ट किए। एक्चुअली यही सही होगा, हमारे स्टूडेंट्स भी हमारी जिम्मेदारी है, हमें उनका ध्यान रखना होगा, यही हमारा फर्ज है। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का भविष्य ही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, है ना? जब से वो गुजरी है ना, मैं यहां कभी नहीं आया, मैं आ ही नहीं सका। यहां आकर उसके मजार को न देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सुहेल्या अभी भी जिंदा है। लेकिन अब मैं समझ गया कि मुझे यहां आते रहना चाहिए था टीचर। आप दर्द से दूर नहीं भाग सकते, आप उसे कितना भी दूर कर दे लेकिन वो आपके अंदर ही रहता है, बढ़ता रहता है, दिमाग में घूमता रहता है। कादिर टीचर, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आपकी इजाजत हो तो क्या मैं थोड़ी देर इनसे बात कर लूं? मेरी प्यारी सुहेलिया, मेरी सब कुछ, तुम सही थी, मैं तुमसे दूर भाग रहा था लेकिन दूर नहीं रह पाया, इसीलिए मैं ये मान ही नहीं पाया कि तुम नहीं हो, इसीलिए मैं नहीं आया। मुझे लगा यहां आना सही नहीं है लेकिन यह गलत था। सुहेल्या, मैं हर सुबह उठकर बस तुम्हारा नाम लेता हूं, अभी भी मुझे लगता है कि किसी दिन तुम दूसरे कमरे से आवाज दोगी मुझे और कहोगी गुड मॉर्निंग, बस यही मेरे दिमाग में चलता रहता है। मैं हर रोज सुबह उठकर कमरे से बाहर निकलता हूं तो मुझे लगता है तुम कहीं से आवाज दोगे, मुझे कहोगे आप कैसे हैं, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी हंसी, वो सब कुछ। मुझे तुम बहुत याद आती हो सुहेल्या। सर, मुझे एक और काम है, क्या उसमें आप मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल सर, बोलिए ना। बस मेरा साथ देना, बस उतना ही मेरे लिए काफी है। जरूर सर, जरूर। मेरी बात सुनो बच्चों, मैं बहुत शर्मिंदा हूं जो कुछ भी हुआ उसके लिए, मेरी वजह से। आप बच्चों को दिक्कत हुई, मुझे इसका बहुत ज्यादा दुख है बच्चों। आप में से कुछ मुझसे नाराज भी होंगे जो कि सही है, और मैं ये बात समझ सकता हूं। मैं आप सभी के सामने शर्मिंदा हूं और इसीलिए मैंने रिजाइन करने का फैसला लिया है, जिससे ऐसा कुछ दोबारा ना हो। आप सब मुझे माफ कर देना बच्चों,
टीचर। तासिन टीचर को खाने के बारे में सब पता है, वो देखते ही समझ गए। उन्हें क्या पता है, वो तुम्हारे पत्थर जैसे कुनाफा को क्रिस्पी बोल रहे हैं। तुम्हें भी ये पता है, तुम अपनी जिद की वजह से नहीं कह रही। वाह कितनी प्यारी फोटो है, शाबाश मेरी बच्ची। बेटा अगर मैं हूं तो इस आदमी की फोटो मत बनाया करो साथ में। मैं इसे पहचानता हूं। क्या कह रहे हो तुम? तुम जवानी में ऐसे लगती थी। बेवकूफ। ये कौन है? यही फातिमा नूर है। बेटा तुम्हारे पास ये फोटो रखी थी। चलो थोड़ा तरबूज खा लो, आ जाओ। ऐसे मैं इस लड़की को जानता हूँ। बस करो बसरी। मैं इसे जानता हूँ, मैंने इसे देखा है। अब ये कैसा मजाक कर रहे हो तुम बसरी? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने इसे देखा है। तुम गलत समझ रहे हो, ये वो नहीं हो सकती। थी तो यही लड़की, शादी के हॉल में देखा था। बसरी कोई गलत फहमी हुई होगी, ये फातिमा नूर है, कादिर की फातिमा नूर। नहीं ये वही है, मैंने इसे देखा है। इस फोटो को एक बार फिर से देखो जरा। अब वो खुद रिजाइन करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो वही बात है कि हम किसी मरते हुए को कैसे बचा सकते हैं। टीचर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों बातें एक जैसी नहीं है। तासिन टीचर वैसे भी रिटायर होने की उम्र में है और इतने डिप्रेशन के बाद भी उनसे यहाँ काम करवाना ठीक नहीं है। मेरा कहना है कि उन्हें अब तकलीफ देना ठीक नहीं होगा। मिस्टर तासिन को थोड़ा आराम करने देना चाहिए, तब तक दूसरे म्यूजिक टीचर को रख लेते हैं। जब वो ठीक हो जाएंगे तब उनसे बात कर लेंगे। एक्चुअली मेरे पास एक अच्छा कैंडिडेट है, उस दिन वो आई थी ना, मैं उन्हें बुला लेता हूँ। ठीक है, उनसे मिल लेते हैं। उनसे बात करके आपको बताता हूँ। मैं आपका और वक्त नहीं लूंगा। एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते बहुत से मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। हाँ बात तो सही है। फातिमा नूर मरी नहीं है, वो बिल्कुल जिंदा है। सर आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। देखो हम शादी डिले कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं, फातिमा नूर कहाँ है? फातिमा नूर मर चुकी है। झूठ मत बोलो। डंगदार